केजरीवाल ने सोचा कि वे कानून को मूर्ख बना देगा, मगर इन्हें फिर सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। आरआरटीएस परियोजना के लिए पैसा नहीं देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। वह सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है, अगर हफ्ते भर में फंड नहीं दिया गया तो वो दिल्ली सरकार के विज्ञापन फंड को आरआरटीएस को ट्रांसफर करने का आदेश देगी। बार बार निर्देश देने के बाद भी केजरीवाल सरकार ने रैपिड रेल प्रोजेक्ट आरआरटीएस का पैसा रिलीज नहीं किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि अगले एक सप्ताह में केजरीवाल सरकार ने पैसा रिलीज नहीं किया तो वह अपनी सरकार के विज्ञापन के लिए जो बजट निकाला है उसका सारा पैसा रैपिड रेल में तुरंत प्रभाव से अटैच कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी जानती है कि केजरीवाल बिना विज्ञापन के जिंदा नहीं रह सकता। ऐसे में आशा बन रही है कि विज्ञापन का पैसा बचाने के भय से शीघ्र ही रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए बजट मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को रैपिड रेल प्रोजेक्ट में पैसा नहीं देने के लिए फटकार लगाई और कहा कि आपका प्रचार वाला बजट उसमें डाल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के प्रचार वाले बजट को तुरंत प्रभाव से फ्रीज भी कर दिया। कहा कि अगर एक सप्ताह में दिल्ली सरकार ने रैपिड रेल प्रोजेक्ट का पैसा नहीं जारी किया तो यह पैसा रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में डाल दिया जाएगा। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार की विज्ञापन पर 3 सालों का बजट 1100 करोड़ रुपए है। सिर्फ इसी साल के लिए इसका बजट 550 करोड़ रुपए है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली सरकार 415 करोड़ रुपए नहीं दे रही। ऐसे में दिल्ली सरकार यह 415 करोड़ रुपए एक सप्ताह में रिलीज करे, वरना उसके प्रचार बजट का पैसा हम इस प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसफर कर देंगे। ANI ने एक्स पर इस मामले की जानकारी देते हुए सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा, आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए फंड नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेताया। दिल्ली सरकार ने अदालत के आदेश का पालन क्यों नहीं किया? हम आपके विज्ञापन बजट पर रोक लगा देंगे, हम इसे अटैच करेंगे और इसे यहां से ले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि विज्ञापन के लिए दिल्ली सरकार का फंड प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसफर किया जाए, हालांकि इस आदेश को एक सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित रखा है। कहा कि अगर फंड ट्रांसफर नहीं किया गया तो आदेश लागू हो जाएगा। अदालत ने राज्य सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आपकी तरफ से भुगतान का आश्वासन दिया गया, हमने पहले ही कहा था कि आपका प्रचार का पैसा जब्त कर लिया जाएगा, अब हम इसे जब्त करने का आदेश दे रहे हैं, सिर्फ एक हफ्ते तक यह आदेश स्थगित रहेगा, तब तक आपने कदम नहीं उठाए तो आदेश लागू हो जाएगा। ऐसे में अदालत ने साफ कर दिया कि अगर फंडिंग नहीं हुई तो दिल्ली सरकार को विज्ञापन बजट से हाथ धोना पड़ सकता है। बता दें, दिल्ली मेरठ, दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत आरआरटीएस के लिए दिल्ली सरकार पर इस साल के 565 करोड़ रुपए बकाया है। यहां हैरानी वाली बात यह है कि दिल्ली सरकार का इस साल का विज्ञापन बजट 550 करोड़ रुपए है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए विज्ञापन बजट को जब्त करने की बात कही है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 28 नवंबर 2023 को होनी है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।